देश में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी शराब पीने वाले चार लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। अकेले मध्य प्रदेश में 6 महीने में 50 से ज्यादा लोग मिलावटी शराब के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर। अप्रैल 2021, ग्वालियर में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत। अप्रैल 2021, कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा, भिंड में जहरीली शराब से 7 की मौत। फरवरी 2021, छतरपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, कई लोग बीमार। जनवरी 2021, मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से 24 लोगों की हुई थी मौत। अक्टूबर 2020, उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। एक बार फिर मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने मचाया तांडव। प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, छतरपुर, भिंड के बाद अब ग्वालियर में जहरीली शराब के सेवन से 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। ग्वालियर जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के चंदूपुरा और खैरिया गांव में जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया है। महाराजपुर थाने के चंदूपुरा और मिर्दा खैरिया गांव में बुधवार को 2 लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी, जबकि एक और युवक की अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर है, इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होली उत्सव के दूसरे दिन इन्होंने भाई दूज पर शराब पार्टी की थी। इन मामलों को लेकर पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश देते हुए कहा था कि जहरीला अथवा नशीला पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे हैं। जब जब ऐसे कांड सामने आते हैं, उनकी जांच होती है, जांच रिपोर्ट धूल खाती रहती है और फिर नया कांड सामने आ जाता है। शराब माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कारोबार के कारण जहां जन धन की हानि हो रही है, वहीं देश का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफिया सीधे तौर पर जनता के साथ मौत का खेल खेल रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार, अवैध शराब बनाने वाले व्यापारियों द्वारा शराब में जहां नींद की गोली मिलाई जाती है, वहीं यूरिया का भी उपयोग किया जाता है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाने वाले इस मादक पदार्थ से मानव जीवन तबाह हो रहा है। शराब के अवैध कारोबार के बढ़ते प्रचलन में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। पहली तो ये कि ये काम बिना पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण के चल ही नहीं सकता। आखिर कैसे मिलावटी शराब जहरीली होती है? मिथाइल अल्कोहल एक प्रकार का जहर है। इसका उपयोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पेंट, थिनर आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी अवैध कारोबारी जब इसका उपयोग शराब बनाने में कर देते हैं तो उसे पीने वालों की मौत हो जाती है। आपको बताते हैं कि अवैध धंधे में क्या है लाभ। आमतौर पर एक ड्रम मिथाइल 20,000 से 25,000 रुपए में मिल जाती है। इससे 1,000 लीटर शराब तैयार होता है। इस पूरी प्रक्रिया में 50,000 से 70,000 रुपए खर्च होते हैं। एक पाउच की कीमत 15 से 20 रुपए में होती है, यानी कारोबारी को 15 से 20 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि अवैध कारोबारी आम आदमी की जिंदगी से लगातार खेल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में स्वयं के उपयोग के लिए शराब बनाने की अनुमति होती है। इसका फायदा शराब माफिया भी उठाते हैं। जहरीली शराब से लोगों की हो रही मौतों के विषय में आज हमने चर्चा रखी है। इसके लिए दोपहर मेट्रो के चीफ एडिटर राजेश सरोठिया जी हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सरोठिया जी, सभी राज्यों में हर 2-3 महीनों में जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं सामने आ जाती हैं।
जैसे मध्य प्रदेश का ही लें अपन, अभी दो तीन महीने पहले ही मुरैना में घटना हुई थी जिसमें 27 लोग मरे थे। अब फिर अभी भिंड में 3-4 दिन पहले घटना हुई, अभी कल ग्वालियर में हुई। तो ये जहरीली शराब से मौतों का मामला अचानक क्यों बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि मध्य प्रदेश जहरीली शराब के लिए के नाम पर बदनाम नहीं था। ये जहरीली शराब से मौतों का जो ये तांडव जो है, हमने बिहार में देखा है, केरल में देखा है, दक्षिण के राज्यों में जहाँ शराब बहुत महंगी बिकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये सोचना पड़ेगा कि अचानक ये सब क्यों बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा आदिवासी बहुल इलाका है, 33% इलाका जो है आदिवासियों को बिलोंग करता है, जहाँ हमने सरकार ने स्वयं उनको कच्ची शराब बनाने की छूट दे रखी है, वहाँ ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। घटनाएं कहाँ हो रही? उज्जैन में हो रही। उज्जैन इज नॉट ए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर इज नॉट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, आपका भिंड इज नॉट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, मुरैना इज नॉट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर इज नॉट ए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ हो रहा है कि लोग, एक नए लोग इस मैदान में उतर आए हैं कच्ची शराब बनाने के। और उसके उतरने का एक बहुत सीधा सीधा कारण है कि जो सरकारी ठेकों पर आपको 40-50 रुपए में 2 साल पहले तक जो क्वार्टर मिला करता था, देसी शराब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जितनी भी मौतें हो रही है ये देसी शराब पीने वाले हो रहे हैं, कोई विदेशी शराब अवैध रूप से बना के कच्ची बना के नहीं पी रहा है। तो ये जो है, जो हम जो लोग यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल जो शराब होती है, जो ड्रिंकेबल होती है, लेकिन ये जब जैसे ही मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो ये जानलेवा बन जाती है। तो जो प्रोसेस है उसको बनाने का, उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो, तो चूंकि नौसिखिए लोग आ गए इस बाजार में, उनको लग रहा है कि 110 और 120 रुपए का क्वार्टर पीने की कैपेसिटी नहीं है लोगों की, तो इसलिए उनको 50 रुपए में 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर की व्यवस्था हो गया, तो कितना सस्ता धंधा है। तो इस चक्कर में लोग, पैसों की कमी भी है और पैसे की शराब की लत है, दोनों चीज़ों के कारण ये जान गंवा रहा है। नहीं सर, उठिए, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को छूट है कच्ची शराब बनाने की, लेकिन जो भी घटनाएं अभी सामने आ रही हैं वो उन जिलों से आ रही हैं जो आदिवासी जिले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि गैर आदिवासी जिलों में जो कच्ची शराब बन रही है, वो तंत्र चाहे एक्साइज का हो चाहे पुलिस का हो, उसके होने के बावजूद वो बन क्यों रही है? अवैध शराब साहब वहाँ बन क्यों रही है? क्या प्रशासन उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, या प्रशासन की उसमें कोई भूमिका होती है इस तरह के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, उनको कोई लाभ होता है उससे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कच्ची शराब जो बेचते हैं, जो जहरी लेनदेता होती है, इस शराब निर्माण में मुझे लगता है पुलिस और आबकारी विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला, अब आप देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस जिले में मारे जा रहे हैं लोग, उस जिले के SP और सीधे और सारे TI सब लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी नहीं है कि गाँव में खेतों में बनाते हैं ये लोग। अब इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी ना, तो इतना आबकारी का अमला है और ना पुलिस को इतनी फुर्सत है, और जो आबकारी एक्ट है 34 संयोग से इस प्रदेश में, उसके तहत कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को भी है और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी, लेकिन वो एक 34 का चालान कट जाना और 1500 रुपये की फीस बन जाना, इससे ज़्यादा कोई चीज़ उसमें होती नहीं है। जबकि कायदा ये है, और आप देखते होंगे, आप अखबारों में भी पढ़ते हैं खबरें, कि वो कच्ची शराब पकड़ी, उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई और वहीं पर उसको बहा दिया, जबकि आबकारी एक्ट की धारा 49 जो है उसके तहत उसके नमूने सैंपल इकट्ठे किए जाने चाहिए, और अगर वो जहरीली पाई जाती है, पुलिस मानव के लिए उपयोग लायक नहीं पाई जाती है, तो 10 साल की सजा का प्रावधान है इसमें आबकारी में। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका ना नमूना लेता है, ना सैंपल में भेजता है, ना सैंपलिंग में भेजता है, तो सैंपलिंग में जाएगा तो उसकी जाँच में टाइम लगेगा, अदालत में पेशियाँ होंगी, इन सब जहमत से ना पुलिस इसमें रुचि लेती है इसके कारण, और ना आबकारी। नहीं सर, उठिए, ये तो गलत है एक तरीके से भाई, लोगों की जाने जा रही है जहरीली शराब से, और जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। अगर आप करें तो हो सकता है कि लोगों को सजाएं हो और ये प्रवृत्ति रुके जहरीली शराब बनाने की। देखिए, इसमें मंगला जी हमें चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। नंबर एक चीज ये है कि जो देसी शराब है, कम से कम सरकार ने जो है अंग्रेजी शराब जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और बड़े वर्ग के लोग पीते हैं, उसमें आप चलिए ड्यूटी सरकार की अच्छी रहेगी, लेकिन देसी शराब की ड्यूटी आप घटाई, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, आप जो माफिया है जो उसमें होने, जो अपनी मोनोपाली के साथ में कर रहा है, 3-4 चीज़ें हैं। ये है MPCT फार्मूला है,
मैंने मोनोपलाइज मोनोपलाइज किया, रेट बढ़ेंगे, कास्ट बढ़ेगी, कास्ट बढ़ेगी तो इलीगल ट्रेड बढ़ेगा, और इलीगल ट्रेड बढ़ेगा तो इलीगल ट्रेड में दोनों चीज़ें होंगी। ये माफिया बार होता है इनका, दारू दुकान वालों का, उनका भी होता है, वो सरकारी दुकानों के स्तर पर, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। अगर मनीषा मार्केट की शराब दुकान से लेके कोई 4 मिलियन सेवन कर रहा तो वैसे कानूनन रूप से गलत है, उस आपको अपने पास की नियरेस्ट दुकान से लेना पड़ेगा, क्योंकि थाने की तरह जो है एक ठेके की भी सीमा निर्धारित है, तो वो तो उसको भी अवैध बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या जो जिस पर ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को, वो है कि कच्ची शराब आदिवासियों के अलावा कोई ना बना पाए, इसकी रोकथाम हो, और उन पर जब 2-4 लोगों को सजा होगी 10-10 साल की, तो ये रुकेगा। और सबसे नुकसानदेह पहलू ये है मंगलाई, ये तो अभी कच्ची शराब हुई, कच्ची शराब में तो एकदम तुरंत अगर मिथाइल अल्कोहल हुआ तो तुरंत आपको मिल गया कि मौत हो गई। जो अब युवा पीढ़ी मध्य प्रदेश की जो नशे करते थे, जो भी महंगिया होने के कारण, वो भले ही निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के बच्चे हों, लेकिन इतना पॉकेट मनी उनको अलाउ नहीं कर रही है अगर उसके लिए बियर पीने के लिए या कोई चीज़ के लिए, तो वो लोग जो सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं, मैंड्रेक्स है, MDS है, वो इतनी मैंने जानलेवा है, और बिल्कुल वो कहते हैं उसको स्लो क्लियर जिसको बोलते हैं, स्लो पाइजन जैसा, वो जहर जो ले रहे हैं, और उससे सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं हो रही है। तो सरकार को अपनी नीतियों पे बहुत तरह से समीक्षा करना होगा। ऐसी चीज़ नहीं कि अब कोई शराब यूनियन बनता नहीं है, उपभोक्ता समाज उसका कोई है नहीं संगठित, तो उपभोक्ता वर्ग, तो आप उस पर कुछ भी लादते जाओ। इसलिए मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे महंगी शराब, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, क्योंकि ना डीजल का उपभोक्ता पेट्रोल उपभोक्ता कुछ बोलता है ना कोई बोलता है। तो जरूर ये शराब की कीमतों को लेकर जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में सरकार को क्या नीति में कुछ विचार करके बदलाव नहीं करना चाहिए अपनी नीति में? भाई निश्चित रूप से आप दिल्ली या छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपके पास है, आपको अगर नहीं, आप क्यों शराब के माफिया को और उसके साथ में साठगांठ से सोच लीजिए कि हमें सरकारी चंदा भी नहीं चाहिए इनसे माफियाओं से, और आप सीधी शराब लेके सरकारी दुकान खोलिए, दिल्ली में जिस तरह खुली है या छत्तीसगढ़ में खुली है, सरकार को जितना रेवेन्यू मिलेगा बाकी उसमें वो बेचे, उसको बिकवाए, उसमें आउटसोर्स कर दे लोगों को, इन युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, माफियाओं को कम से कम उतना नहीं होगा। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि विदेशों की तर्ज पर आप अपने जो सरकारी डिपो होते हैं, जो देसी का जो है डिपो होता है, देसी का जो है वेयर हाउस होता है, जहाँ पर कि जो आसवनियों से डिस्टिलरी से जो शराब स्प्रिट आती है उसको डाइल्यूट करके बोतलों में भर के जो देसी शराब बेची जाती है, और जो विदेशी शराब के बॉन्ड होते हैं, जो सरकार जो है विदेशी कंपनियों से या देसी कंपनियां जो विस्की बनाने वाली या जो भी विदेशी मदरा बनाती हैं एफ3, उसको खरीद के रखती है और फिर उसको जारी करती है उसके लाइसेंस के अगेंस्ट, तो वो खुद ही करने लगे ना सारी चीज़। या ग्रॉसरी स्टोर्स में जिस तरह से विदेशों में उपलब्ध है, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, कहाँ है शराब की दुकान, मंदिर के पास में, मस्जिद के पास में, स्कूल के पास, भाई जिसको पीना है वो पिएगा, जो जिसको नहीं पीना उसको कोई ज़बरदस्ती तो पिला नहीं सकता। तो हमें ये चेतना जागृत करना पड़ेगी और लोग कच्ची शराब पर ना जाएं, और ये जो ड्रग्स के सूखे नशे हो रहे हैं, चरस, कोकीन, मेंड्रेक्स और न जाने क्या क्या, LDS, इतना ज़बरदस्त कारोबार फैला हुआ है ये मामले के, आप देख रहे हैं पूरी बॉलीवुड की दुनिया जो है इसमें उजागर हो चुकी है। जब बॉलीवुड के लोग ये कर रहे हैं सेलेब्स, तो भारत की युवा पीढ़ी कितना नहीं कर रही होगी। सिरोडिया जी, जो आबकारी एक्ट है जिसके अंतर्गत ही पूरा नशा और शराब इसका सबका व्यवसाय होता है, ये आजकल जो भी घटनाएं हो रही है इसमें कोई प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो आबकारी एक्ट में क्या किसी बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है? आबकारी एक्ट को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, नंबर एक चीज। और आबकारी एक्ट के तहत व्यवसाय संचालित नहीं हो रहा, व्यवसाय तो जो है सरकार की हर साल पॉलिसी आती है, और वो पॉलिसी हमेशा जो है उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो शराब माफिया है और ये डिस्टिलरीज हैं बड़ी बड़ी, ये खड़ी होती हैं। सरकार को अपनी रेवेन्यू भी कमाना है अगर, तो वो रोक लगाए कहाँ पर, जो गुजरात की बॉर्डरिंग स्टेट पे जो डिस्टिलरीज हैं, जो कि सीधे परमिट बनाते हैं दमन द्वीप का और गुजरात में उतारते हैं, एक ट्रांजिट पास बनता है और उसके साथ में 40 ट्रक अवैध रूप से बिना ड्यूटी पेड शराब चली जाती है, इधर जो है अरुणाचल प्रदेश का बनता है, बिहार में चली जाती है। तो इन सब चीज़ों पे अगर सरकार बहुत कड़ा अंकुश लगाए तो सरकार की रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगी। नहीं तो सिरोठे जी, जो ये ठेका एक अलग बात है, लेकिन जब ठेका हो गया तो उसका जो व्यवसाय संचालन होता है तो आबकारी एक्ट के अंतर्गत ही होता है, कहाँ जाएगी, कहाँ बिकेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो निर्धारित है ना, उसका क्षेत्र आइडेंटिफाइड होता है उसमें, जो पॉलिसी में हर एरिया के दुकान का
अब ये जहरीली शराब की घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं होती, कोई प्रक्रिया नहीं होती। सवाल यही, मैंने आपको शुरू में ये बात कही कि जो आप कच्ची शराब के नमूने जब्त करते हैं, तो जब तक उनको आप जांच नहीं करेंगे तो तब तक अदालत में चालान पेश नहीं होगा, तो अदालत तक जाती नहीं है। एक बार उसको 34 में कायमी करके उसको पेश कर देते हैं इस्तगासा, और उसमें जो है केस डायरी पेश करके 1000-2000 रुपए का जुर्माना करके छूट जाता है। अगर वो नमूने के सैंपल के साथ में पूरी वो होती है तो वो निश्चित रूप से 10 साल तक की सजा का प्रावधान, 2-4 लोगों को सजा होगी तो लोग समझेंगे क्या इस पेशे को करने में नुकसान है। सिरोठिया जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि सरकार को इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए अब नए सिरे से? तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको बाजार, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बाजार की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो शराब की जो प्रचलन बढ़ा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसको पूरी व्यापक नीति बनाना पड़ेगी कि कच्ची शराब से लेकर जो ड्रग्स है और ये शराब है देशी विदेशी, इन सब की नीतियों में समाहित करके कि जो भी इसकी सेवन कर रहा है उसको उपलब्ध हो, जो नहीं कर रहा है उसके लिए तो ये। लेकिन कच्चे जो नशे जिनमें सरकार को 1 रुपये की रेवेन्यू नहीं, ना कच्ची शराब में ना ड्रग्स में, उसकी रोकथाम जब आप तेज करेंगे और इसके रेट वाजिब करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप। सिरोठिया जी ने बताया कि जहरीली शराब रोकने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और सिरोठिया जी को धन्यवाद देते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।